नमस्कार, सिटी बुलेटिन को स्वागत। प्रथमे देखिबा हेडलाइंस। कटक रे व्यापुछि मारात्मक जंडिस, प्रशासन खातारे आक्रांतक संख्या 8 हेले प्रभावित अंचल रे 100 रु अधिक रोगी, सचेतन करा जाउ नथिबा लोकंक अभिजोग। उपकूल ओडिशा रे खसिला पारद, ट्विन सिटी रे गरम रु लोकंक आश्वस्ति, शक्ति सचिव कहिले आजिठारु विद्युत काट बंद। राज्य में दुर्नीति कमाइबा को प्रयास, मुख्यमंत्री द्वारा विजिलेंस विभाग टोल फ्री नंबर और फेसबुक पेज उन्मोचित। दुई 2014 ओटी छात्री मृत्यु घटना तदंत भार नाला क्राइमब्रांच, पुलिस खामख्याल तदंत उपरे अभियोग करिथिले आरटीआई कर्मी। एवं सिटी गॉसिप रे महेश भट्टन का परिवार कहानी उपर बॉलीवुड मूवी हमारी अधूरी कहानी रो आउ एक ट्रैक रिलीज, स्टार कास्ट रे इमरान, विद्या बालन एवं राजकुमार राव। कटक रे भयावह रूप नेबारे लागिछि मारात्मक जंडिस, साही कु साही व्यापुछि जंडिस। 13 नंबर वार्ड रो मेहंदीपीर महिदास बाजार अंचल रे आतंक खेलाइछि एही रोग। तेबे न्यूज 7 रे खबर प्रसारित हेबा परे प्रशासन आरंभ करिछि तत्परता। एठी प्रश्न उठुछि ए दिगरे पदक्षेप नेबा कहार दायित्व। कटक सहर को पुणी फेरी जंडिस, वर्तमान आम अच्छे कटक मेहंदीपुर अंचल रे, जदि कहिबा एही अंचल रे अनेक आक्रांत संख्या धीरे धीरे बढ़िबारे लागिछि। नेता अनेक प्रतिश्रुति दियंती किंतु वास्तव चित्र एठिकार संपूर्ण भिन्न। रास्ताघाट समस्या ठू आरंभ कर जो पानी मुख्य, जो जदि देखा विषाक्त पानी एठिकार जंडिस व्यापार मुख्य कारण होती। गत काली जमी न्यूज 7 खबर प्रसारण पर चेता पशिच प्रशासन एवं पदक्षेप आरंभ कर खोद कमिशनर हूँ कि स्थानीय कर्पोरेटर क्या पाखे खबर ना, कि जंडिस संख्या एवं आक्रांत संख्या धीरे धीरे बढ़िवारे लगी। सीधा सड़क तक सहित कथा हाँ, साधारण जनता जो साई बासिंदा सहित कथा हाँ, जो 13 नंबर वार्ड रासीदा अच्छा कौन कह आज आप अंचल जंडिस व्यापी केमती रही परिस्थिति? बहुत खराब, घरे घरे प्रति घरे तीन जन चार जन को जंडिस व्यापी है। प्रशासन किसी मानने पदक्षेप नौ ना, स्थानीय कर्पोरेटर ये कौन तुम्हें गोटे कम कर, जहाँ को भोट देच तक जाओ, आम पाखे कहीं आस गुहारी करने आम कि शुणानी। पर कटक सहर से पुणी जंडिस आतंक खेल जो मारात्मक जंडिस वर्तमान 13 नंबर वार्ड अंतर्गत मेहंदीपुर मैदास बजार काफला बजार आदि अंचल आक्रांत संख्या बढ़िवारे लगी। सीएमसी जिला प्रशासन पाखे दुई दिन पूर्व कौन खबर नाला, जिते न्यूज 7 यही खबर प्रसारित होगापर पदक्षेप ग्रहण कर प्रशासन आक्रांत को हालोजिन बटिका देवास पीवा पा टैंकर जगे जोगे साई में समस्त पाइपलाइन को मरामति पीएचडी विभाग तत्परता आरंभ कर। सेपटे आक्रांत संख्या जदि 50 टपिला तेरे प्रशासन पक्षर जो ब्लड रिपोर्ट संग्रह कर 6 जन पॉजिटिव रही आपड़ कौन कहे वर्तमान आप अंचल कौन स्थिति रही? सर्वप्रथमे आम प्रमेय को ये संवाद देलु, प्रमेयर संवाद फल ये अंचल लोकंर दुर्दशा विषय लोक मैंने खबरकगज जरिया अवगत होते। संगे संगे जनस्वास्थ्य विभाग एवं सीएमसी किसी पदक्षेप नेला आरंभ कला, सी किसी नुहे तार कौन फलप्रद एपर्यंत है, बर दिन कु दिन आक्रांत संख्या बढ़ी चलला। जो मैंने पूर्व दिन 50 थे पर दिन 7 हेले, आज बोधे 60-70 पखापाखि है, तेणु 100 पखापाखि पहुँचीगले। तेणु वर्तमान जनस्वास्थ्य विभाग निद भांगा, से आसिकी चलती पाइपलाइन सब काटा बस जहाँफल गरम लोक आक्रांत हो जंडिस कौन अन्य भयंकर रोग से आक्रांत हो मेडिकल जी। आमे चाहूँ एड़ी प्रिकॉशन एमती नहीं जो फ्री मेडिकल कैंप लगू, समस्त ब्लड यूरिन टेस्ट हो, आउ समस्त को ठीक रू मैंने जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो सब प्रॉब्लम जानतु। से मैंने नेक्स्ट जेतु आगे बापिबार अच्छी, आम प्रतिदिन रेगुलरली आम हेल्थ सैंपल टेस्ट करूँ, ब्लड सैंपल टेस्ट करूँ, जो पॉजिटिव आसूँ आम सिटी हॉस्पिटल और शिशु भवन और एससीबी रे मागणा रे चिकित्सा करने व्यवस्था करूँ। कौन कहे आज्ञा, ये घटना केवल न्यूज 7 प्रथम देखेला और तापर प्रशासन चेती जहाँ पदक्षेप नि देखु आपण को न्यूज 7 को धन्यवाद करुँ, जीतीकि सतर्कता एवं जाए प्रशासन देखी से बोधे न्यूज फ्लैश है देखी तापर भी एवं भी बोधे म्यूनिसिपैलिटी ठीक रू कौन पदक्षेप नहीं ना, जहाँ सकाशे जो
दीर्घ 8-10 दिन है कचराटा जमाई नड़ा उपर रोटा एबी रही आसिक सफा करना पीएचडी वाला कल आसते बारंबार कहुला पा टांकी गुड़ा लेडिज घर जो पा लाइन टा का लेडिज मैंने चलिकी के दूर को जी पा आने कहुला आउ गोटे पा टांगी बसापीटा भी से शुणिले से कहले लेखिकी दे जहाँ हम नापर शुणुते आप साधारण लोकों प्रतिक्रिया जो अंचल 13 नंबर वार्ड मैदास बजार अंचल प्रतिक्रिया और साधारण लोकों प्रतिक्रिया अनेक सीएमसी प्रतिश्रुति केवल प्रतिश्रुति ही रही जाइए जदि ए सीएमसी कर्तृपक्ष ध्यान न दिखती तेज आगक आक्रांत संख्या आहरी बढ़िवार आशंका कर कटक्रु कैमेरा पर्सन प्रदीप्त देवाशीष महांती न्यूज 7 ओईवीटी छात्री मृत्यु घटनार तदंत भार नहीं क्राइम ब्रांच 2014 नवंबर 18 तारीख में कुमारी सुचेता मृतदेह ओईवीटी तीन नंबर झाड़ेश्वरी हॉस्टल उद्धार करते खंडगिरी पुलिस एक अपमृत्यु मामला रुजू कर चुपचाप बसी जाता कुमारी सुचेता मृत्यु घटनार तदंत कर क्राइम ब्रांच 2014 नवंबर 18 तारीख में ओईवीटी लेडीज हॉस्टल सुचेता मृतदेह मिलता एवं सेठारु खंडगिरी पुलिस एक सुइसाइड नोट जबत करिथिला तबे परवर्ती समय रे चिट्ठी रे थिबा हस्ताक्षर ओ चिट्ठी पछरे थिबा हस्ताक्षर रे ताळमेळ नथिबा कहिथिला पुलिस सुचेतांको परिवार लोक एहाकु एक हत्याकांड बोली कहुथिले तबे पुलिस घटनाकु खामखियाल भाबे नै तदंत करिथिबा अभिजोग करिथिले आरटीआई कर्मी निश्चित भाबे मे आशावादी जे आरो गोटे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हबो एवं प्रकृत रे छात्री आत्महत्या करिछि ना आत्महत्या हत्या कराइछि बाताको आत्महत्या करने बाध्य कर टोटाली खुलासा हवा दरकार से आरो विधिवत तदन चाहूलु सेपटे मृत्यु पूर्व सुचेता ओयूटी पक्ष विदेश गस्तरे जाइथिले जहाकु ने अनेक प्रश्नवाची सृष्टि होईछि भुवनेश्वर कैमरा पर्सन राज भूषाल नीरज पटनायक रिपोर्ट न्यूज 7 राज्यवासी असह्य गरम सामान्य आश्वस्ति मिली पूर्व उत्तर प्रदेश उत्तर कोस्टाल आंध्रप्रदेश जा घूर्णी बलयर प्रभाव में छत्तीसगढ़ और आभ्यंतरण ओडिशा रे केतक स्थान में वर्षा होई फल उपकूल समेत आभ्यंतरण ओडिशा पारद खसी ट्विन सिटी रे भी तापमात्रा ह्रास पाई आज भुवनेश्वर में तापमात्रा 38.9 डिग्री और कटक 36 डिग्री रेकर्ड करपटे पश्चिम ओडिशा स्थित किंतु सेमती किसी परिवर्तन आसी ना केतक स्थान में तापमात्रा 45 पाखापाखी रही 31 तारीख परठारु तापमात्रा कमिबो सेपटे मौसुमी जून द्वितीय सप्ताह सुधा ओडिशा छुईबो बोली पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि गतकाल जो ट्राप लाइन नौला पूर्व उत्तर प्रदेश उत्तर कोस्टल आंध्र प्रदेश पर्यंत थ्रु छत्तीसगढ़ ओडिशा दे जाउथला सेटा मध्ये आज कंटिन्यू करुछि आ छत्तीसगढ़ पटे से ट्राप लाइन उपर घूर्णीबळ रहउछि ता प्रभाव में लास्ट 24 आवर्स वर्षार रिपोर्ट आसी उत्तर ओडिशार पकेट मेनली आ टेम्परेचर गतकाल अपेक्षा आज प्राय बहुत जगह कम रही आउ जहाँ मॉडल इंडिकेट करुच्ची टेम्परेचर अधिक बढ़ी न पारे सिमिलर कंडीशन कंटिन्यू कर पारे आमर फोरकास्ट करा हैछि 30 मे रे केरल रे मनसून अनसेट डिक्लेयर हो बोली ओडिशार मध्ये सेई आमर सेकंड वीक ऑफ जून रे आपण कहि पारंती मनसून अनसेट होबार संभावना आछि आज ठारु राज्य में विद्युत काट बंद अस्थायी भाव आवश्यक पड़ुता विद्युत पाई एक 200 केवी विद्युत लाइन संजोग एने सूचना देखते शक्ति सचिव सुरेश चंद्र महापात्र पूर्व राज्य में विद्युत काट हेबो नाही बोली शक्ति सचिव गत 11 तारीख में कहते तेज परवर्ती समय रे बारंबार बिजुली काट हो लोकों असंतोषर शिकार होते सरकार ओपीटीसीएल तरफ बहुत गुड़े 132 के भी 220 के भी सबस्टेशन प्लान कराई बहुत गुड़े काम चलते 15 वर्ष होगा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर विशेष किसी इन्वेस्टमेंट हो ना प्राइवेट कंपनी मैंने आसते प्राय 16 लक्ष रु बर्तमान 57 लक्ष कंज्यूमर अच्छा ओडिशा तेनाली डेफिनेटली मिसमैच हो जो लो वोल्टेज प्रॉब्लम अनेक एरिया होसोसीएटेड हाई टेंशन लाइन गुड़ा अच्छे 33 केवी 11 केवी 33 केवी 132 केवी से लाइन गुड़ार कैपेसिटी कंस्टेंट देखा तेणु यही सॉल्व कला परे जाई के हमें पावर अवेलेबल थिले लोकों पाखों को हमें प्रॉपर क्वालिटी पावर हमें पहुंचे परिवा सिटी बुलेटिन एबे समय हुई छे एक ब्रेक रा ब्रेक परे देखिबा आउ किछि खबर राज्य में दुर्नीति कमाइबा को मुख्यमंत्री विजिलेंस रा एक टोल फ्री नंबर और विजिलेंस फेसबुक पेज उन्मोचन करिछंती यहा माध्यम रे जे कोनोसी सरकारी ऑफिस रे दुर्नीति नै लोके टोल फ्री नंबर रे फोन करि परिबे फेसबुक रे मध्य ए संपर्कित तथ्य विजिलेंस निकट रे पहुंचाई परिबे एथि पई टोल फ्री नंबर रहिछि 1064 रिसेंट डेवलपमेंट्स हैव अंडरलाइन इट्स इंपोर्टेंस विथ ग्रोइंग एजुकेशन
This new helpline, which has been inaugurated today, will certainly help our government in combating corruption. किन्नर माने एचआईवी रे आक्रांत हेबा कथा एक स्वेच्छासेवी संगठन कहिबा परे सेमानंको मध्यरे असंतोष देखा दैछि। किन्नर महासंघ पक्षरु एहार तदंत पई दाबी करा जायछि। किन्नर महासंघर एक प्रतिनिधि मंडळी राज्यपालंकु स्मारक पत्र दैछंती। सेमानंको कहिबा कथा एचआईवी भूताणु थिबा नै कोनोसी डाक्टर परीक्षा करि नाहंती। एपरिकि एचआईवी संक्रमितंकु जेउ सब सरकारी सुविधा मिलुछि ताहा सेमानंकु मिलु नाही। मु गोटे रिक्वेस्ट करी जदि भी किए पॉजिटिव अच्छा आप अजथारे ये करूँ यही सबको नहीं आप साई बस्ती बाहर कर दूसरी आम किनर मानक कि तुम पॉजिट अच्छ बोलिक रास्त गला कहते तुम पॉजिट है रिपोर्ट देखाओ मैंने ये कौन सब जिन चली पांच दफा दाबी में निखिल ओडिशा विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ डाकर ओईएटी वैषयिक कर्मचारी और नन टीचिंग स्टाफ संघर कुलपति अफिस आगे धारणा द्वितीय दिन में पहुंची। विश्वविद्यालय खाली पदवी पूरण कर्मचारी आरएसपी प्रदान अवसर बयस सीमा को दुई वर्ष वृद्धि आदि समस्या समाधान न होले आगामी दिन में आंदोलन जोर हेबो बोली संघ कहिछि। आम निश्चित भाव आशावादी हबु जे जदि क्राइम ब्रांच इनक्वायरी होउछि ताले निश्चित भाव आम सुफल पाइबु बोली किंतु वर्तमान कथा होउछि जे काहिंकि पुलिस कमिश्नरेट छ मास हला तदंत करनथिला को दाबी रखथिले आर कोन उद्देश्य थिला तार मते तदंत हबा दरकार। भुवनेश्वर ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अनुष्ठित हो जाएगी 22वां कनेस्टेबल बैच रो पासिंग आउट परेड। यह अवसर में गृह विभाग प्रमुख सचिव असित त्रिपाठी मुख्य अतिथि भाव जोगदे निष्ठार सह कर्मक्षेत्र में कार्य करने को परामर्श देते 502 जन कनेस्टेबल प्रशिक्षार्थी 6 मास शिक्षा ग्रहण शेष हो सफल कनेस्टेबल मानू पुलिस कमिशनर राजेन्द्र शर्मा अभिनंदन जनाइछन्। ऐतिह्य संपन्न सहर कटक रे अनेक पाठागार मध्यरु पढ़ियारी पाठागार बहु पुरुणा। पाठागारटीर भित्तिभूमि सुदृढ़ रही बेले किछि आवश्यक मौलिक समस्या अनेक दिन हेबो मुंड टेकिछि। ई लाइब्रेरी व्यवस्था डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम परी दाबी दीर्घ दिन हेबो होइ आसुथिले भी एजाय कार्यकारी होइ नाही। कटक गौरीशंकर पार्क पाखरे 1998 प्रतिष्ठा होइछि पढ़ियारी पाठागार। 1960 मसीह तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर हरेकृष्ण महताब कटक महानगर निगम ठारु पाठागार को लोक संपर्क विभाग को हस्तांतर करथिले। आउ स्वाधीनता संग्रामी प्राणकृष्ण पढ़ियारी नाँ रे पाठागार टी नामित करा जायथिला। सेबेठारु दीर्घ 57 वर्ष धरी ए पाठागार टी स्थानीय बासिंदा बौद्धिक विकास रे अनेक सहायक होइछि। छात्र छात्रिंग ठारु आरंभ करी स्थानीय लोके एठी विभिन्न पुस्तक पत्र पत्रिका पढ़वार सुजोग पाइथांते। सबु बही तो आपण किणिकरी पढ़ी पारे ना ता छड़ा ये गोटे सुविधा कौन कि बही आम मेम्बर हेले आम अल्प पैसा तो मेम्बर होगा पड़ू ता छड़ा आम जो बड़े चाहिए ये जे कर्मचारी माने अच्छा जो कम कर बहुत सहयोग करती यहाँ द्वारा मुझे बहुत मात्रा उपकृत होटे आम प्रायत बैंकिंग प्रिपेरेसन हो बैंकिंग प्रिपेरेसन द्वारा ये आम कंपिटेटिव बुक प्रायत अच्छी मु रेगुला रिडर आउ पेपर प्रायत आसुच्ची प्रायत सब दिन ये पढ़े डिस्कसन सांग करूँ ये सुविधा बहुत पढ़ापी बहुत सुविधा अच्छे। हाँ ये गोटा पुराणा परंपरा चली तापर पीटी समाचार बाहर को प्रसारण बहुत लोग शुणुंतर भी किसी सूचना भी मिलूँ विभिन्न प्रकार पेपर बहुत आसद्वारा आम संवाद जापार विभिन्न प्रकार आम न्यूज व्यूज तापर विभिन्न प्रकार आर्टिकल बाहर पढ़ी उपकृत हो 20,000 ऊर्ध पुस्तक रही पुरातन पाठागार रही विभिन्न समस्या पाठकों संख्या दृष्टि पाठागार कर्मचारी पानी जल जोगाण से अभाव एपरिक पाठागार एजाए संपूर्ण शीतताप नियंत्रण व्यवस्था करा जाए ना। बेसिकली आम पाखे जो मेन पावर आवश्यकता ता आम हिसाब से कम रही एक्चुअली आम एठिकार स्ट्रेंथ हूँ 6 जन 6 जन आम केवल एआई मु ग्रंथकारिक आम जो वाचमैन अच्छे आम पाखे कौन शिक्षित चपरासी ना कि कौन असिस्टेंट लेवल काम करने ना बेसिकली आमको टी सहयोग बही सटिंग करिवारे सेग्रेगेट करिवारे नंबरिंग करिवारे हमको असुविधा उपजुच्छे डे टू डे
ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଟାଲ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ସ୍କ୍ରଲରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଆମେ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଉଭୟ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ସହାୟକ ଏହି ପାଠାଗାରଟିର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ଥରଟିଏ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସଭ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ପୁଣ୍ୟ ବିନୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ସିଟି ବୁଲେଟିନ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଜାରି ରହିବ ଖବର। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବାକୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ, ଆଖୁରସ ଆଉ ଲସି ଦୋକାନରେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ରତାପରେ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ। ତେଣୁ ଆଖୁରସ ପୈଡ଼ ଲସି ଭଳି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ଘରୁ ତ ବାହାରି ବି ହେଉନି। ଏବେ ତ ଆସିଛୁ, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ବୋଲି ଆସିଛୁ, ନହେଲେ ବି ବାହାରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ କଥା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳିର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ରହୁଛି ଯେ ସକାଳ 9ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସକାଳ ଅପେକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଲସି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଦହି ଗୋଟେ ଏପରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ବିଶେଷ ଖରାଦିନ ନହେଲେ ବି ଶୀତଦିନ ବର୍ଷାଦିନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଭଲ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଖରାଦିନେ ଏହା ମାନେ ବଡ଼ିର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟିକୁ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲସି ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରୁଛୁ ଥଣ୍ଡା ଅପେକ୍ଷା। ଖରା ଆସିଲେ ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଖୋଜା ପଡ଼େ ଲସି, ଆଖୁରସ, ତରଭୁଜକୁ। ଏହା ଯେ ଖାଲି ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ ତା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ ଦେହକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଅମିୟ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଫ୍ୟାସନର ଯୁଗ, ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଗ୍ଲାମର ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଯତ୍ନବାନ। ତେବେ ଆଜି ବି ଲାଖ ଚୁଡ଼ିର ଚାହିଦା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ରାଜସ୍ଥାନରୁ କଟକ ଆସି ମନିହାର ପରିବାର ଏହି ଲାଖ ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅନେକ ଚାହିଦା ରହିଛି। ତିଆରି ଚାଲିଛି ଲାଖ ଚୁଡ଼ି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ମନିହାର ପରିବାର କଟକ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଲାଖ ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ବାଙ୍କା ବଜାରରେ ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁରୁଲିଆରୁ ଲାଖ ଓ ମେଟାଲ ଚୁଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟୋନ୍ ଓ ରଙ୍ଗ ଆଣି ଏହି ଲାଖ ଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନଥିବା କାରିଗରମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଲାଖ ଆସେ ଗୋଲ 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 ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ମିଶାଉଛୁ। ରଙ୍ଗ ମିଶାଇଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ 144ଟା କଲର୍ ଆମେ କରୁଛୁ। 144ଟା କଲର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଲାଖର ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି ଖାଡ଼ି, ତା ଉପରେ ମେଟାଲ ନାଗିକି ଷ୍ଟୋନ୍ ଫିଷ୍ଟୋନ୍ ସବୁ ନାଗୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଲାଖ ଚୁଡ଼ିର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କାରିଗରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ସାରା କଟକ ସହରର ବାଙ୍କା ବଜାର ଓ ରାଣୀହାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତ୍ର 2ଟି ଦୋକାନ ରହିଛି। ବିବାହ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ କାମରେ ଲାଖ ଚୁଡ଼ିର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆଧୁନିକ ନାରୀମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାସନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଲାଖ ଚୁଡ଼ି। ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଏଇଟା ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଲାଖର ଡିଜାଇନ ଭଲ ଆସୁଛି, ଆଉ ହାତରେ କିଛି ରେସେସ୍ ଫେସେସ୍ ହେଉନି। ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ ରେସେସ୍ ଫେସେସ୍ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ବି ଅଛି, ଆମେ ସୁନା ଚୁଡ଼ିରେ ବି ଏଇଟା ଲଗେଇକି ପିନ୍ଧୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଖ ଚୁଡ଼ିର ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଆସୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ତାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଫିଟିଂର କାମ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଶାଢ଼ୀରେ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ସୁନା ଚୁଡ଼ିରେ ବି ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ ସେଟ୍ କରିକି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଜିକାଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବି ଫଙ୍କସନ୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀର କଲର୍ ଆଉ ଇଏ ତାର ଗେଟଅପ୍ ଦେଖିକି ମୋତିର ଷ୍ଟୋନ୍ର ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଆସୁଛି, ଆଉ ବାହାଘରରେ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ଲାଖ ଚୁଡ଼ି ଏବେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ग्राहक मानंकर मनपसंद सहित बजेट को सुहाइबा भली रंग बिरंगर लाख चुड़ी दोकानी माने मध्य रखुछंती। कटकरु कैमरा पर्सन प्रदीप्त बेहरांक सह पूर्ण विनय दास को रिपोर्ट न्यूज 7। अष्टम किट इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप प्लाटिनम ग्रुप रे उत्तर प्रदेश ऋषभ मिश्र सर्वाधिक 8.5 पॉइंट हासिल करी चैंपियन होइछंती। कोलकाता स्वयं रनर्स अप होइछंती। 10 राउंड रु 2 जण समान पॉइंट हासिल करथिले मध्य प्रोग्रेसिव रे ऋषभ आगुआ थिबारु तांकु चैंपियन घोषणा करा जायछि। 30 जण श्रेष्ठ खेलाड़ी को मध्य मानपत्र पुरस्कार दिया जायछि। मेरा 7 में 7 था बट 8 राउंड ड्रॉ हुआ, वो भी बेन था बट टाइम की वजह से ड्रॉ हो गया था। उसमें बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मैं बिलो 200 में चैंपियन हुआ। ओके, टूर्नामेंट का हाल बहुत अच्छा था। मैं एक्चुअली पहली बार खेला था ये टूर्नामेंट, तो यहाँ कॉम्पिटिशन की जो लेवल थी वो बहुत ही अच्छी थी, तो मेरा जो मैं प्रिपरेशन करके आया था वो इस बार काम में आ गया, इसलिए मैं खुश हूँ। और ये फर्स्ट टाइम मेरा सेकंड प्राइज आ गया किसी बिलो 2000 के इवेंट में, सो आई एम हैप्पी ऑन दिस टूर्नामेंट। देखिएगा सिटी गॉसिप। रिलीज होइछि अपकमिंग मूवी हमारी अधूरी कहानी रो आउ गोटे रोमांटिक गीत। मुख्य भूमिकार अछन्ति इमरान हाशमी, विद्या बालन और राजकुमार राव। 12 जून रे सिल्वर स्क्रीन को आसीबो एही फिल्म। एहार कहानी महेश भट्टंक परिवार उपरे आधारित। बहुत प्यार किया है मैंने तुमसे और मैं ये नहीं कर सकती कि अपना स्वर्ग सजाने के लिए तुम्हें इस नरक में धकेल दूं। मोहित सोरी रोमांटिक ड्रामा फिल्म हमारी अधूरी कहानी रो रिलीज होइछि आउ गोटिए रोमांटिक ट्रैक। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। एथिरे मुख्य भूमिकारे थिबा इमरान हाशमी एवं विद्या बालन को केमिस्ट्री देखिबा को मिलिबो। फिल्म रो कहानी रहिछि महेश भट्ट को परिवार उपरे। मगर फिर आरज़ूओं का बिखरना भी जरूरी था, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। सोयो उसके साथ? प्यार करती हूँ उससे। लव, इमोशन, एक्टिंग सबु किछि रही छि एही गीतरे। एहा सह इमरान को इमोशनल एक्सप्रेशन सह विद्या बालन को एक्टिंग गीत को आहुरी करी छि इमोशनल और रोमांटिक। वही है सूरतें अपनी, वही मैं हूँ, वही तुम हो, मगर खोया हुआ हूँ मैं, मगर तुम भी कहीं गुम हो। विद्या बालन, वसुधा प्रसाद, इमरान आरब, रूपारेल और राजकुमार राव को हरी भूमिका रे देखिबा को पाइबे दर्शक। एहा पूर्वरु 2006 रे रिलीज होइथिबा फिल्म वो लम्हे मध्य महेश भट्ट को जीवन रो प्रेम कहानी उपरे आधारित थिला। क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। जहाँ बॉक्स ऑफिस रे होइथिला सुपर डुपर हिट। मुख्य भूमिका रे अभिनय करथिबा साहिनी आहूजा ओ कंगना राणावत को अभिनय सिनेप्रेमी को बेस आकृष्ट करथिला। तबे सबु बेले रियल लाइफ रो कहानी को ने स्क्रीन रे दर्शकों को मनोरंजन करथिबा महेश भट्ट एही फिल्म रे मध्य देखाइछंती तांको निजो परिवार रो कहानी, जहां दर्शकों को बेस पसंद आसीबो बोली आशा रखिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7। कटकरे व्यापुछि मारात्मक जंडिस। प्रशासन खातारे आक्रांतों संख्या 8 हेले प्रभावित अंचल रे 100 रु अधिक रोगी। सचेतन करा जाउ नथिबा लोकंक अभिजोग।
उपकूल ओडिशा खसिला पारद ट्विन सिटी रे गरमरु लोकंकु आश्वस्ति शक्ति सचिव कहिले आजिठारु विद्युत काट बंद। राज्य में दुर्नीति कमाइबा को प्रयास मुख्यमंत्री द्वारा विजिलेंस विभाग टोल फ्री नंबर और फेसबुक पेज उन्मोचित। दुई हजार चौदह ओईएटी छात्री मृत्यु घटना तदंत भार नाला क्राइम ब्रांच पुलिस खामख्याल तदंत उपर अभियोग करते आरटीआई कर्मी। एवं सिटी गसिप रे महेश भट्टों परिवार कहानी उपर बॉलीवुड मूवी हमारी अधूरी कहानी आउ एक ट्रैक रिलीज स्टारकास्ट रे इमरान विद्या बालन एवं राजकुमार राव। सिटी बुलेटिन को एट रखुचु नमस्कार।